लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स के नतीजे आए, कमोबेश सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत मिला, विपक्षी पार्टियों ने एग्जिट पोल्स को खारिज किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज दिल्ली नहीं आएंगी। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, दिल्ली में विपक्षी नेताओं के साथ मायावती की आज कोई बैठक नहीं। एग्जिट पोल्स पर भड़की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा ईवीएम में हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एग्जिट पोल्स। कांग्रेस ने कहा एग्जिट पोल में गड़बड़ी, बीजेपी बोली पार्टी 300 का आंकड़ा पार करेगी। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही ओम प्रकाश राजभर यूपी कैबिनेट से बर्खास्त, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध किया था। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर 61.85% वोटिंग, हिंसा के बावजूद लगातार सातवें चरण में भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 73.46% मतदान। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला, कहा सिद्धू मुझे हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, दिल्ली में पेट्रोल 9 पैसे और डीजल 15 पैसे महंगा हुआ। और एग्जिट पोल्स के संकेत से शेयर बाजार में बड़ा उछाल, सेंसेक्स करीब 900 पॉइंट ऊपर।